सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. अस्वस्थ जीवन शैली को बाय बाय कर दीजिए अब और स्वस्थ रहने के लिए कुछ ऑर्गेनिक फूड्स का इस्तेमाल स्टार्ट कर लीजिए. क्या आप जानते हैं कि जो फल सब्जियां केमिकल और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके उगाई जाती हैं और जो प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद चीज़ें आप खा रहे हैं वे आपकी सेहत के लिए कितने हानिकारक हैं. ये आपको कई तरह की बीमारियां दे रहे हैं. स्वस्थ रहने के लिए कई लोग अपनी डाइट में ऑर्गेनिक फूड को शामिल कर चुके हैं और आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए, साथ ही साथ इसे अपने आहार का हिस्सा भी बनाना चाहिए. तो आज के इस वीडियो में पूर्णतः जानते हैं इस बारे में कि क्यों जरूरी है कि आप अपने डाइट में ऑर्गेनिक फूड्स को स्थान दें. ऑर्गेनिक फूड यानी कि ऐसा जैविक आहार जिसे केमिकल और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किए बिना उगाया जाता है. ये फूड बेमौसम उपलब्ध नहीं होते क्योंकि इनके लिए जैविक खाद तैयार की जाती है जिसके बाद इस आहार को उगाया जाता है. बाजार में अगर आपको फ्रेश फूड दिखें तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे ऑर्गेनिक हैं. ताजा फल सब्जियों और ऑर्गेनिक फूड में फर्क होता है. ऑर्गेनिक फूड को उगाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है. जी हाँ, इसको अगर आप अपनाते हैं तो क्या फायदे होंगे ये जान लीजिए. जैविक आहार की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. ये केमिकल पेस्टिसाइड दवाई या प्रिजर्वेटिव रहित होते हैं, इसीलिए फायदेमंद भी होते हैं. जैविक आहार में विटामिन मिनरल्स प्रोटीन कैल्शियम आयरन इत्यादि जरूरी तत्व मौजूद होते हैं जो स्वस्थ रहने के लिए बेहद जरूरी हैं. ऑर्गेनिक फूड केमिकल रहित होने के साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो कई बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है. इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और कोल्ड जैसी समस्या भी नहीं होती है क्योंकि इसमें फैट नहीं होता है जिसके कारण आपका वजन भी नहीं बढ़ता है. इसके अलावा ऑर्गेनिक फूड का स्वाद बेहतर होता है, साथ ही साथ इससे त्वचा भी निखरती है. ऑर्गेनिक फूड खरीदते समय ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये अन्य फूड की अपेक्षा थोड़ा महंगा होता है. इसे खरीदते हुए ध्यान दें कि इसके पैकेट पर ऑर्गेनिक फूड सर्टिफाइड स्टिकर लगे हों. इसके अलावा आप कैसे पहचान सकते हैं? ध्यान रखें कि सबसे पहली पहचान तो ये है कि अगर बेमौसम यानी कि फॉर एग्जांपल हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में आम मिलता है. अब आपको आम सालों भर मिल जाता है लेकिन ध्यान रखें वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ जो मौसम है उसका नेचुरली जो उगता है वो है गर्मियों का मौसम. इसके अलावा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, इसके बाद ही आपको मिल रहा है, तो इस वजह से वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान कर सकता है. लेकिन गर्मियों में ज़्यादातर जगह आम उगेगा तो आपको ऑर्गेनिक आम मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, देख करके आप ले सकते हैं. ऐसे ही फलों और सब्जियों के साथ भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मौसमी फल हैं और सब्जियाँ हैं उनका सेवन ज़्यादा करें क्योंकि उसमें आपको चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको ऑर्गेनिक मिल जाएंगे. ऑर्गेनिक अगर फूड नहीं है तो आपकी समस्या बढ़ सकती है. आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो खास करके शहरी क्षेत्रों में जो अलग अलग तरह की बीमारियां हो जा रही हैं लोगों को, उसकी एक मुख्य वजह यही है कि ये जो कृत्रिम खाद्य इस्तेमाल किए जाते हैं इनकी वजह से खाद्य पदार्थों में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हो जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं. वो अपनी उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए और उत्पादन ज़्यादा हो इसके लिए खाद का इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव कीटनाशक और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो जाता है कई बार. इसीलिए जितना कोशिश करें हो सके ऑर्गेनिक फूड का सेवन करें, आप सुरक्षित स्वस्थ और खुश रहेंगे. आज की ये वीडियो रही आप सभी के लिए. ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले. लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे.